हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। फिलहाल कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्रेडिक्शन रहेगा, उसका डिस्कशन करने से पहले एक नजर डालते हैं 9th पे, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गैप अप ओपनिंग हुई और फिर मार्केट ने एक रेंज बना ली। एक पर्टिकुलर मार्केट रेंज में चलता रहा, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, और ये हमारा एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कि पहले तो हमें वीक में 2 से 3 बार ही पैटर्न दिखाई देते थे, लेकिन जो आजकल वीडियो आ रही है, हमें लगातार अपने हर रोज से ही कोई ना कोई पैटर्न नजर आ रहा है। तो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, अगर आप ध्यान देखेंगे, और ये वाला पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर क्या है रेजिस्टेंस, नीचे क्या है सपोर्ट, और जब भी हमारा कोई पैटर्न नजर आता है तो आपको बस सबर रखना होता है और मार्केट को मोमेंटम करने दो, और इंतजार करना है या तो ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का। ब्रेकआउट मिला तो मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला तो मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो आपको यहां पे क्लियर क्लियर ब्रेकआउट मिला है तो आपको मिली है बाइंग अपॉर्चुनिटी। जिसने भी इस ब्रेकआउट का फायदा उठाया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं, यहां पे हम चीजें देख रहे हैं कि इस जोन में मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 17,350 जो रहा है ये हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में रहा है। हालांकि पहली कैंडल ने ही इस जोन में सपोर्ट लिया है, बाकी का उससे ऊपर है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर ये जोन ही पकड़ के चल सकते हो। 17,350 एज ए सपोर्ट के रूप में हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर आप यहां पे रेजिस्टेंस की बात करोगे तो रेजिस्टेंस 17,450 से नीचे दिखाई दे रहा है एक पर्टिकुलर जोन में, तो ये चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज और नोटिस करने की है, जो 17,450 है, अगर आप लास्ट वाली कैंडल को देखेंगे, लास्ट की 3 कैंडल को देखेंगे, यानी कि हर एक कैंडल 15 मिनट की है, 45 मिनट को अगर आप देखते हो तो हमें क्लियर क्लियर 17,450 का ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ये एज ए हमारे लिए अब सपोर्ट काम करेगा, रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। तो अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो ये नजदीकी सपोर्ट रहेगा। हालांकि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, इसके ब्रेकडाउन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि काफी नजदीकी आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और जो सपोर्ट बनेगा वो 17,400 पे ही जाके आपको बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजों पे भी नजर डालते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, ये अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी या फिर फ्लैट ओपनिंग दे के मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,550 पे नजर आ रहा है। ये रेजिस्टेंस हमने आज थोड़ा सा ऊपर लिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट में जो मार्केट की जो चाल हमें देखने को मिली है, और इससे ऊपर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे 17,500 पे भी एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप 7th को ऑब्जर्व करोगे या फिर 4th को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने इसे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये नजदीकी रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, फिर गैप अप ओपनिंग मिल गई, तो मार्केट सीधा सीधा इसका ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए हमने 17,550 का एक रेजिस्टेंस लिया है। अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे, इसे रेजिस्टेंस लेने के पीछे का लॉजिक क्या, आप 7th को देखोगे, इसी जोन से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस के रूप में काम किया और हमें एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। अगर आप 4th फरवरी में जाएंगे, इसी जोन पे आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है और ब्रेकडाउन होने के बाद आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। पीछे आ जाइए, अगर आप 1 फरवरी को देखोगे, 1 फरवरी को आपको सीधे सीधे यहां पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट दिखाई दे रहा है साफ साफ, और ब्रेकडाउन होने के बाद आपको यहां पे एज ए रेजिस्टेंस भी मार्केट मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 3 फरवरी को भी देखोगे, मार्केट में जो गिरावट आई थी इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था। अगर आप लास्ट टू लास्ट कैंडल को देखोगे, वहां पे आपको इसी जोन में सपोर्ट दिखाई देगा। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, उस स्थिति में 17,600 जो रहेगा ये हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस होने वाला है।
अब इसके पीछे का लॉजिक आपको सीधे सीधे देख के ही समझ में आ रहा है। फोर्थ को देखोगे आप, फोर्थ को एक मजबूत रेजिस्टेंस, थर्ड को देखोगे एक मजबूत सपोर्ट, और सबसे ज्यादा जरूरी अगर आप 1 फरवरी को देखते हो तो यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन यहीं से ही हमें शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिली। तो ये एस जो 17,600 रहेगा, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई देगा। वहीं पे अब हम बात करते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इन दोनों ही स्थिति में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,400 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप 9th को देखोगे, 9th को भी मार्केट ने इस लेवल के काफी रेस्पेक्ट किए हैं। पीछे आ जाइए, 7th को देखिए, मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दिया। उससे भी पीछे जाइए, अगर आप 31 जनवरी में जाते हैं तो यहां पे आपको सीधे सीधे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और इसका हमें मिल रहा है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मिल रहा है तो मार्केट जब इसे नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, एज ए सपोर्ट काम आपको ये करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,300 पे हमें एक मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। क्या इसका डिस्कस करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि कल भी डिस्कस किया गया है। यहाँ पे देखो 8th को मार्केट ने कितना मजबूत यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था, और ये हमारा यहाँ पे एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा था जो हमने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस और ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। मैंने बताया था अगर ब्रेकआउट मिला तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जिसने जिसने भी इसका बेनिफिट उठाया, प्रॉफिट कमाया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई दोस्तों। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 17,503 है, नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 17,424 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो आपको मिलने वाली है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर मिलता है ब्रेकडाउन तो आपको मिलने वाली है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,548 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,591 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इस 17,628 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है या रहा है 17,368 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,305 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,248 पे नजर आ रहा है। ये चीजें आपको दिखाई दे रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे, एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डालते हैं। यहां पे आप देखेंगे 10th फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,600 पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 60.2 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट फिर 17,700 पे आप देखेंगे 71.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 17,400 पे आप देखेंगे 60.9 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर आप देखेंगे 17,300 पे, जहां पे 37.6 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।